अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मज़हर मेऊ। आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर कोमिला विक्टोरियंस आ गई हैं। इन्होंने 11 मैच प्ले किए हैं, 8 विन हैं, 3 लूज हैं, 0 ड्रा, 16 इसके पॉइंट हैं। उसका रन रेट है +0.45। रंगपुर राइडर, इसने 11 दूसरे नंबर पर रंगपुर राइडर्स हैं। इसने 11 मैच प्ले किए हैं, 7 विन हैं, 4 लूज हैं, 0 ड्रा है, 14 इसके पॉइंट है। उसका रन रेट है +0.69। तीसरे नंबर पर चिटागोंग विकिंग्स हैं। इसने 12 मैच प्ले किए हैं, 7 विन हैं, 5 लूज हैं, 0 ड्रा है, 14 इसके पॉइंट है। उसका रन रेट है -0.293। चौथे नंबर पर राशा ही किंग हैं, जिन्होंने 12 मैच प्ले किए हैं, 6 विन हैं, 6 लूज हैं, 0 ड्रा है, 12 इसके पॉइंट हैं। उसका रन रेट है -0.518। पाँचवें नंबर पर ढाका डायनामाइट्स हैं। इन्होंने 11 मैच प्ले किए हैं, 5 विन हैं, 6 लूज हैं, 0 ड्रा है, 10 इसके पॉइंट हैं। उसका रन रेट है +0.864। छेवें नंबर पर जो टीम है वो है सैलेट सिक्सर। सैलेट सिक्सर ने 12 मैच प्ले किए हैं, 5 विन हैं, 7 लूज हैं, 0 ड्रा है, 10 इसके पॉइंट हैं। उसका रन रेट है +0.066। सबसे लास्ट में जो टीम है वो है खुलना टाइटन्स। 7वें नंबर पर हैं ये। इन्होंने 11 मैच प्ले किए हैं, 2 विन हैं, 9 लूज हैं, 0 ड्रा है, 4 इसके पॉइंट हैं। उसका रन रेट है -1.165। तीन टीमें तो ये आगे चली गई हैं और ये दो टीमों का अब सिर्फ मुकाबला रह गया है, राशा हाइकिंग और ढाका डायनामाइट्स। कल ढाका डायनामाइट्स अगर खुलना टाइटंस से मैच जीत जाती हैं तो आगे सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, वरना ये बाहर हैं। तो आज की बस यही अपडेट थी। अगर आपको और भी टेबल्स की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।